बिहार पुलिस अपने कारनामों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार तो पुलिस का ऐसा मजाक बना कि राज्य के सीएम नीतीश कुमार को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के अंतिम संस्कार के दौरान सलामी के लिए उठी 22 राइफलों में से एक से भी गोली नहीं निकली। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि जो भी संसाधन की जरूरत हो पुलिस को वो देने के लिए तैयार रहते हैं और देते भी हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट चाहिए। लेकिन ऐसा रिजल्ट होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होना था। इसकी घोषणा भी खुद सीएम नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन अंत्येष्टि के दौरान पुलिस की एक भी राइफल काम न करने से हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीएम ने पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके ठीक बाद शोक धुन बजी। पहले से कतार में खड़े पुलिस के 21 सशस्त्र जवान सलामी देने लगे, लेकिन बार बार ट्रिगर दबाने पर भी बुलेट नहीं छूटी। पहले सबने अपनी अपनी राइफल देखी, कई बार चेक की, फिर सब एक दूसरे को देखने लगे और आखिर में इस रस्म का गार्ड ऑफ ऑनर मानकर डॉक्टर मिश्रा की अंत्येष्टि कर दी गई। हालांकि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला पुलिस ने अब जांच के आदेश दिए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक एमके चौधरी का कहना है कि हो सकता है कि मौसम के कारण ये हथियार काम नहीं किए हों, लेकिन पूरे मामले की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार करिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे पुलिस ऐसी गोलियों की बदौलत अपराधियों का मुकाबला करेगी जो मौके पर निकल ही नहीं पाती। और नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।